नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। विधानसभा से पहले विधान परिषद चुनाव का होगा फैसला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, जिसमें लगभग 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 8 सीटों के लिए मतदान का आयोजन करवाया जाना है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बीते दिन इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 4 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 4 सीटों के लिए मतदान करवाया जाना है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 59 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एकमात्र महिला उम्मीदवार है। कोसी स्नातक में सर्वाधिक है और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एकमात्र महिला उम्मीदवार है। आपको बता दें, स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को लेकर निर्वाचन क्षेत्रों में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हादसे से बाल बाल बची सहरसा से नई दिल्ली जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन। सहरसा से दिल्ली जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन आज सुबह हादसे से बाल बाल बची। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सहरसा से नई दिल्ली जा रही क्लोन ट्रेन के एक बोगी के चक्के में धुआं दिखाई देने लगा। जानकारों की माने तो ब्रेक बेंडिंग की वजह से चक्के में धुआं निकलने लगा था, जिसको देखने के बाद यात्री काफी ज्यादा घबरा गए। जिसके बाद जब चक्के पर ड्राइवर की नजर पड़ी तो ड्राइवर ने तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को नियंत्रित किया। ट्रेन जैसे ही रुकी वैसे ही यात्री दूसरे गेट से इधर उधर भागते नजर आए, जिसके कारण ही ट्रेन को लगभग 2.5 घंटे तक रोक कर रखना पड़ा। हालांकि चालक के सूझबूझ के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई है। आपको बता दें, यह वाक्या सोनवर्षा किचहरी सिमरी बख्तियारपुर के बीच की बताई जा रही है। चिराग पासवान कल जारी करेंगे अपना घोषणा पत्र। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान फिलहाल चुनाव के लिए एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आज रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म के खत्म हो जाने के बाद चिराग पासवान अब चुनावी तैयारियों में ज्यादा नजर आने वाले हैं। इसी क्रम में लगभग सभी पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र के ऐलान के बाद अब लोजपा भी कल अपने घोषणा पत्र का ऐलान करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि बिहार के नव निर्माण के लिए उनकी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसके साथ ही इस ट्वीट में चिराग ने असंभव नीतीश के हैशटैग करते हुए लिखा है कि 4 लाख बिहारवासियों के सुझाव के लिए हैशटैग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। बिहार के नव निर्माण के लिए तैयार डॉक्यूमेंट आगामी 21 तारीख को जनता के बीच रखा जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट को पढ़े और उसी के आधार पर लोजपा के हर प्रत्याशी को आशीर्वाद दे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे एडवर्ड स्टड की। एडवर्ड स्टड का जन्म आज ही के दिन यानी कि 20 अक्टूबर 1878 को बिहार के मिथिला में हुआ था। एडवर्ड स्टड पेशे से एक अंग्रेजी क्रिकेटर थे। उन्होंने 1917 और 1919 के बीच ग्लुस्टर शायर के लिए खेला था। एडवर्ड स्टड दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, जिन्होंने अपने खेल का नमूना हर स्तर पर पेश किया है। वहीं 2 मार्च 1951 को दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया था। पटना दिल्ली बस सेवा हुई बहाल। BSRTC की पटना दिल्ली बस सेवा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए सोमवार शाम 5 बजे से ही टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू हो गई थी। रेड बस, पेटीएम, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा की शुरुआत हो गई है। मीठापुर और बांकीपुर बस स्टैंड पर काउंटर से भी टिकट सुबह 6 से रात 10 बजे तक मिल रही है। पटना से दिल्ली 2 बसें जाएंगी, जिनमें 1 सीटर जबकि दूसरी स्लीपर बस होगी। सीटर बस दोपहर 1 बजे रवाना होगी और इसकी क्षमता 50 यात्रियों की बताई जा रही है। इसका किराया लगभग 1650 रुपए तय किया गया है। वहीं स्लीपर बस 41 सीटर की होगी, जो शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा से दिल्ली के लिए चलाई जाएंगी पूजा स्पेशल ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज से 2 दिसंबर तक नई दिल्ली जयनगर, नई दिल्ली द्विसाप्ताहिक, दिल्ली मुजफ्फरपुर दिल्ली द्विसाप्ताहिक, अमृतसर सहरसा अमृतसर द्विसाप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ियों के अतिरिक्त दिल्ली सहरसा द्विसाप्ताहिक सुविधा सुपरफास्ट पूजा स्पेशल का परिचालन करवाया जाएगा। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। नई दिल्ली जयनगर द्विसाप्ताहिक पूजा स्पेशल 21 अक्टूबर से 28 नवंबर 2020 तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलाई जाएगी। इसके साथ ही अन्य दूसरे ट्रेनों के परिचालन का समय भी तय कर दिया गया है और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिचालन करवाया जा रहा है। बिहार के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने उठाई प्रधानाध्यापक बनाने की मांग। बिहार के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने अपनी लगातार उपेक्षा की आवाज बुलंद की है, जिसके तहत इन सभी शिक्षकों ने अविलंब अन्य शिक्षकों की तरह ही उन्हें सम्मान सहित प्रधानाध्यापक पद, प्रोन्नति और अन्य लाभ आदि देने की मांग की है। बिहार के सभी कोटि के विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की एक बैठक करवाई गई थी, जिसमें सभी शिक्षकों ने कहा है कि अन्य विषय
के शिक्षकों के समान हमारी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एक होने और विद्यालयों में पठन पाठन सहित अन्य कार्यों को समान रूप से करने के बावजूद भी हमें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति प्रभारी बनाने, मूल्यांकन कार्य से वंचित रखने सहित अन्य लाभ से वंचित किया जा रहा है। गांव के बूथ पर सहायक सेविकाओं की होगी तैनाती। कोरोना को लेकर पहले ही गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंप दी गई थी। अब बूथ पर भी सेविका, सहायिका और आशा की तैनाती का निर्णय लिया गया है ताकि थर्मल स्क्रीनिंग में उनका योगदान रहे। मिली जानकारी के अनुसार गांव की महिलाओं को थर्मल स्क्रीनिंग में परेशानी ना हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा गांव की महिलाओं के संपर्क में रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में चलने वाली केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी इन्हीं के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचाई जाती है। ये सेविकाएं ग्रामीण महिलाओं के काफी ज्यादा करीब होती हैं, इतना कि ये सब एक दूसरे को काफी अच्छे से पहचानती भी है और यही वजह है कि थर्मल स्क्रीनिंग करने में इनका सहयोग लिया जा रहा है। लालू यादव ने पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़ने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारी जोर शोर से हो रही है, वहीं यात्रियों के साथ साथ बयानबाजियों और तंज का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में आज सुबह लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने एक कार्टून को टैग करते हुए ट्वीट किया कि हर दूसरे घर से बिहारवासियों का पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़िए और बिहार में ही रोजी रोटी की बात करने वाली सरकार को चुनिए। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लालू यादव के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए है कि बिहार के 15,000 छात्र कोटा कोचिंग लेने और दूसरे राज्यों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। बिहार का हजारों करोड़ों युवा दूसरे शहरों की इकोनॉमी को सुदृढ़ करता है। बिहार में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मुहैया करवाई जाती, इसके लिए भी क्या सरकार को समुद्र चाहिए। शिक्षा का बंटाधार करने वालों की छुट्टी जल्द ही बिहार में होने वाली है। पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी विंग के सदस्यों को उतारा मैदान में। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी से पीछे नहीं रहना चाहती है, इसलिए तैयारियों में भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। वहीं इस बार तो कांग्रेस को पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें मिली हैं, तो पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने पक्ष में रखने के लिए सभी विंग के अध्यक्षों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो खुद एमएलसी का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन दूसरे सभी विंग के अध्यक्ष चुनाव का टिकट पा गए हैं, जिसका लाभ युवा नेताओं को सबसे अधिक हुआ, मगर छात्र संघ NSUI को एक भी सीट नहीं मिली। जानकारों की माने तो कांग्रेस के प्रत्याशियों का चयन इस बात को दर्शाता है कि वो अब अपने पुराने नेताओं को मैदान में उतारने से परहेज करने लगी है। अब कांग्रेस का भरोसा युवा नेताओं पर ज्यादा है, अब कांग्रेस अपना दाव युवा नेताओं पर आजमाना चाहती है। 10 लाख नौकरी देने के वादे पर राजद नेता ने दी सफाई। महागठबंधन की तरफ से किए गए घोषणा पत्र पर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ महागठबंधन दल के नेता ने 10 लाख नौकरी मुहैया करवाने का वादा किया है, वहीं सत्ताधारी दल ने इसे सिर्फ एक छलावा करार कर दिया है। वहीं इसी बीच अब राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने 10 लाख नौकरी मुहैया करवाने पर अपनी सफाई पेश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद सत्ता में आया तो प्रदेश के सभी मुखियाओं और सरपंचों के मानदेय में 60-70% का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों की बेहतरी के लिए ऐसा करना जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ किया है कि राजद के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए यह घोषणा हवा में नहीं की गई है। राजद इस वादे को वास्तविकता में जरूर बदलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि युवाओं को नौकरी मुहैया करवाने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले का पूरा अध्ययन कर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रोजगार देने के लिए पॉलिटिकल विल होने की बात भी उन्होंने कही है। बिहार भाजपा ने 2 विधायक और 4 पूर्व विधायक को दिखाया बाहर का रास्ता। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों से कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा ने भी कई बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार भाजपा के कई बड़े नेता टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरने का मन बना रहे थे, या फिर ये नेता किसी और दल का हिस्सा बनकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। पार्टी की तरफ से मनाने के बाद वापस नहीं आने के बाद अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है, जिसके तहत ही बिहार भाजपा ने एक बार फिर से 6 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिसमें 2 विधायक और 4 पूर्व विधायक है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह चोकर बाबा, विधायक अमनौर रामदेव महतो, पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद, विधायक मनोज सिंह पूर्व विधान पार्षद, ललन कुंवर पूर्व विधायक शामिल है। इन सभी को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सनी देओल के बर्थडे पर धर्मेंद्र ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। बीते दिन सनी देओल ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, वहीं उनके बर्थडे के मौके पर उनके पिता ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दोनों के सामने केक रखा हुआ फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आप सभी के मैसेज के लिए प्यार, सनी के जन्मदिन पर सबकी शुभकामनाओं के लिए प्यार, आप सब मेरे दिल के बहुत करीब रहे हो, खुशी में आज तो
इंतहा हो गई है ट्वीट की। बोर हो गए होंगे आप लोग, अब मैं कुछ दिनों तक चुप रहूंगा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने इस ट्वीट से पहले अपने और सनी से जुड़े फैंस के कई ट्वीट्स को शेयर किया था और लगातार इतने ट्वीट्स के आने के बाद धर्मेंद्र ने कहा कि अब बस कुछ दिनों के लिए चुप रहूंगा। सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि बॉबी देओल ने भी अभिनेता को बधाई दी है। उन्होंने सनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भाई, पिता और दोस्त को हैप्पी बर्थडे। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज दिल्ली और पंजाब की टीम एक दूसरे से भिड़ने वाली है। पिछले मैच में जहां डबल सुपर ओवर में मात देने वाली किंग्स इलेवन पंजाब के सामने आईपीएल के 13वें संस्करण में बेहतरीन टीम में गिने जाने वाले दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला होने वाला है। आज का मुकाबला पंजाब के लिए बेहद ही खास होने वाला है, साथ ही दिल्ली भी इसे आसानी से नहीं गंवाने वाली है। पंजाब के लिए प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए हर मैच में जीत जरूरी है, तो दिल्ली 14 अंक हासिल कर चुकी है और एक ही जीत उसके लिए काफी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली आज मैदान में कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है। टीम से बाहर हुए ऋषभ पंत अब ठीक हो गए हैं और वापसी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अगर उनकी टीम में वापसी होती है तो अजिंक्य रहाणे को बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम में किसी भी तरह के बदलाव होने की नाम मात्र उम्मीद है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 76 लाख के पास। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 46,790 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 75,97,063 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 587 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,15,197 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि भारत में अब कुल मिलाकर 67,33,328 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 7,48,538 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।